इस सड़क से इंसान तो इंसान, यहाँ तक कि जानवर भी यहाँ से नहीं चलते। और सड़क ये रहा, और नाला इसको बोलिए, बता रहा था आपको, वही यही झरना है, देख लेती है, देखिए देख लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप लोग, और आज मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा बिहार का एक अद्भुत, मतलब करोड़ों के बजट से बनाया गया एक ऐसा चीज़ जो आप शायद शहर में ही देखे होंगे। जो शहर में रहते हैं वो शहर के मतलब देखे होंगे, और जो शहर में नहीं रहते, गांव से बिलोंग करते, वो शायद ही कभी देखे होंगे। जो बड़े बड़े मॉल्स और बड़े बड़े पार्क्स में जो वाटर का जो पाइप, जो वाटर डांस नहीं होता रहता है, जो पानी मतलब उछलता कूदता रहता, वो सिस्टम वाला, उसको नाम मालूम। हम भी विलेज ही बिलोंग करते हैं, एक बार गए थे हम दिल्ली, तो उस समय देखे हुए थे, तो याद आ गया। तो सोचा कि भाई जब हम घूम लिए तो अपने गांव वासियों को भी दिखाते हैं, अपने मतलब मोहल्ले वालों को भी दिखाएंगे कि क्या है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, वो आपको दिखाऊंगा। और अभी जस्ट जा रहा हूँ वहीं पे, और आपको दिखा, वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो को काफ़ी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपको दिखा रहा हूँ वो सही जगह पे वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं उसी जगह पे जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपको वहीं मिलूँगा। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर, दोस्तों मैं अभी दिखा रहा हूँ जो अभी जिस झरने के बारे में बता रहा था आपको, वही यही झरना है, देख लेती है, देखिए देख लिए। ये क्या है? अरे यही तो है वो जिसके बारे में आपको बता रहा था। समझिए, आप शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए, आप आइए मेरे गांव में। ऐसे ऐसे बहुत जगह, यहाँ पे नहीं, बहुत सारे जगह पे है जहाँ पे जो पाइपलाइन बिछाई गई है, वो पाइपलाइन पे मतलब कहीं पे क्रैक कर गया, कुछ कर गया, तो हर ऐसे है। तो सबसे प्रसिद्ध यही है, समझ गए। यहाँ पे सुबह सुबह बहुत भीड़ लगा रहता है, टिकट भी इसका मिलता है, टिकट आप बाहर जाइएगा तो टिकट देना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, फ्री में देख सकते हैं आप। हाँ, देख लिए, और आगे भी आपको दिखाऊंगा। और ये रहा नल का, और ये नाला, तो मतलब नल वाला पानी नाला में डायरेक्ट सप्लाई, यही फ़ायदा है अभी इतने, मतलब इतना करोड़ों रुपया खर्च करके, बजट खर्च करके बिहार सरकार जो बनाई है ये नाला, जो सड़क से लगभग कितना फीट है देख लीजिए, समथिंग 1.5 फीट 2 फीट ऊँचा, बर्बाद पहन चोर। तो नल वाला पानी जो है डायरेक्ट सप्लाई होकर के नाला में आता है, बस यही अद्भुत नज़ारा है बिहार में भाई। और बिहार से बदतर जो मेरा गांव है वहां का ये सिस्टम है, हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं सड़क की स्थिति, ये भी उसी नल जल योजना वाहियात और बेकार फालतू की योजना से हुआ है। तो देख लीजिए माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, आपका बदलता बिहार और बदलती नई नई योजनाएँ, जिससे जनता को 1% का लाभ नहीं है, 1% का लाभ नहीं, यहाँ तक कि नुकसान ही है, देख लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, यही बदलता बिहार है, समझ गए। और गाइज आपको एक भ्रष्टाचार का एक नया रूप और दिखाता हूँ। तो फिलहाल जिस लोकेशन पे हूँ मैं, वो भी मेरा ही गांव है, और देख सकते हैं जी मैं सड़क पे जा रहा हूँ, ये सड़क नहीं है, ये नाला बना है, और सड़क वो रहा। चल झूठा, इस सड़क से इंसान तो इंसान, यहाँ तक कि जानवर भी यहाँ से नहीं चलते। और सड़क ये रहा, और नाला इसको बोलिए, हालांकि ये सड़क है और नाला वो है, बाकी यहाँ से कोई नहीं जाता, क्योंकि कारण यही है कि यहाँ पे हमेशा हमेशा पानी जमा रहता है, और वो सूखा रहता है, और सूखने का कारण ये है कि सड़क से वो 3 फीट 4 फीट ऊंचा है। असंभव, असंभव, बेचारा असंभव। 3 फीट देख लिए आप,
नल जल योजना दिखाई दिया, सड़क योजना, नाला योजना, मैं आपको दोस्तों मैं आपको 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर कितना पूरा गांव ऐसा है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।